हेलो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने गुलाब का प्लांट है और अभी सभी जानते हैं ये विंटर सीजन है तो गुलाब का फ्लावर की फ्लावरिंग सीज़न है, इसीलिए मैं आज गुलाब प्लांट के जो फर्टिलाइज़र होता है वो फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर दो तरह के फर्टिलाइज़र रखा है, ये तो है एप्सम सॉल्ट है और आप लोग जो दिख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये एप्सम सॉल्ट है और ये जो है एनपीके है। तो पहले एनपीके से शुरुआत करते हैं। एनपीके जो होता है 3 मेन एलिमेंट्स को मिला के एनपीके तैयार किया जाता है और इसमें और भी बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जैसे कि कॉपर है, बोरान है, जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, आयरन है, क्लोरीन है और मैंगनीज है और मोलीबेडनम है। ये जो है बहुत सारा और इतना सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जाता है जो ऑल ओवर प्लांट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका एनपीके का जो एन होता है, एन जो होता है वो होता है नाइट्रोजन और पी होता है फास्फोरस और के जो होता है केमिकली नाम है कैलियम और हम लोग इसे पोटाशियम कहते हैं हम लोग इसे। तो एनपीके का जो है, एनपीके जो है रोज प्लांट के लिए किस तरह से काम करता है, नाइट्रोजन प्रमोट करता है फॉलियज ग्रोथ के लिए, जैसे नाइट्रोजन जो पत्ते ग्रीन होते हैं पूरा प्लांट बुशी बनता है इसके लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। और जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो है एनकरेज करता है रूट और फ्लावर डेवलपमेंट के लिए, रूट बहुत हेल्दी होता है और फ्लावर डेवलप होता है, बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है, बहुत भर के फ्लावर होता है और खिल के आता है। कलर देखिए इसका कितना खिल के आ रहा है, तो बहुत सारा फ्लावर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर खिलते हैं। तो फास्फोरस ये सब करता है और जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम क्या करता है, ऑल ओवर जो रोज प्लांट का ग्रोथ है वो मेंटेन करता है, हेल्थ मेंटेन करता है। पूरा जो स्टेम होता है इसका रोज प्लांट का वो बहुत मजबूत होता है। फास्फोरस जो होता है ये एक तरह से रोज प्लांट के लिए विटामिन का काम करता है और ऑल ओवर ग्रोथ के लिए पोटाशियम अच्छा होता है। और इसे इस्तेमाल कैसे करें, इसके एनपीके को कभी भी मिट्टी में यूज़ ना करें। मिट्टी में यूज़ करने से ये जैसे कि एनपीके है ये केमिकली फर्टिलाइज़र है, तो इसको अगर मिट्टी में यूज़ करें तो मिट्टी का पीएच जो बैलेंस होती है वो बिगड़ सकती है। अगर पीएच बैलेंस बिगड़ गए तो प्लांट भी हेल्दी नहीं रहेगा, फ्लावर भी नहीं देगा, फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूट भी नहीं देगा अच्छी तरह से। तो इसीलिए इसका फॉलियस फीडिंग कराते, फॉलियस फीडिंग इसके लिए अच्छा रहता है। और जैसे कि एनपीके का रेशियो जो होता है, बहुत सारा रेशियो में बाज़ार में मिलता है, जैसे कि 20-20-20, 19-19-19, 26-10-26 और भी कई सारा, जैसे 10-10-10 और 12-12-12 बहुत सारा रेशियो में एनपीके मिलता है और भी कई सारा रेशियो होता है। तो बेसिकली रोज प्लांट के लिए जो रेशियो होता है वो होता है 10-10-10 वाला रेशियो भी ले सकते हो या तो 12-12-12 वाला रेशियो भी ले सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो जैसे कि 19-19-19, 20-20-20 भी ले सकते हो फॉलियस फीडिंग के लिए, लेकिन बेसिकली 10-10-10 और 12-12 वाला रेशियो ज़्यादा अच्छा होता है रोज प्लांट के लिए। और रोज प्लांट में इसे इस्तेमाल किस तरह से करें, जैसे कि ये 1 टेबल स्पून, ये तो स्पून थोड़ा छोटा है मेरा, तो जैसे कि ये छोटा है इसीलिए ये 1 स्पून लिया और थोड़ा सा इसमें और ले लिया, जैसे इतना लिया, ये हो गई 1 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून एनपीके को लेके और 4.5 लीटर पानी में घोल के पत्तों पे छिड़काव करें। 4.5 लीटर ध्यान रहे, 4.5 लीटर से ज़्यादा 5 लीटर हो तभी चलेगा, लेकिन 4.5 लीटर से कम नहीं, जैसे कि 3 लीटर पानी है ऐसा नहीं, 4.5 लीटर होना ही चाहिए और 5 लीटर हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 4.5 लीटर से कम नहीं करके फिर जो पत्ते पे छिड़काव करें।
और छिड़काव करने का टाइम ध्यान रहे धूप में छिड़काव करें, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है पत्तों में क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ा देता है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट में ही, तो इसीलिए धूप होना ज़रूरी होता है। जब भी फोलियस फीडिंग कराए तभी धूप में करें, और हर रोज़ नहीं करें, जैसे कि आज कर दिया तो एक हफ्ता बाद कर दिया, ऐसे नहीं, हर 15 दिन में करें फोलियस फीडिंग, धूप में ही करें। और जैसे कि मैंने कहा रोज़ प्लांट जो है विंटर सीजन में ही फ्लावरिंग करता है, तो विंटर में इसको खाना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। वैसे तो रोज़ प्लांट जो है बहुत हैवी फीडर होता है, और जब विंटर में फ्लावरिंग करता है तो विंटर में उसके उसे और भी ज़्यादा खाना चाहिए होता है, तो इसीलिए पत्ते में जो है क्लोरोफिल का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होना है। क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो ही पत्ता खाना बनाएगा, तो प्लांट उसी से ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो भी है करेगा, तो इसीलिए एनपीके जो है इसका फोलियस फीडिंग विंटर सीजन में करें और स्प्रिंग में करें, ध्यान रहे विंटर में और स्प्रिंग में करें, कभी भी समर में ना करें। वैसे समर में आप लोग जो भी है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, लेकिन विंटर में कर सकते हो, विंटर में करें, बस इतना ही है। और ये तो हो गई एनपीके की बात, अब आते हैं एप्सम सॉल्ट के बारे में। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इसका नाम है एप्सम सॉल्ट। ये कोई हम लोग जो किचन में खाना बनाने के लिए काम खाना बनाते हैं साधारण नमक नहीं है, ये इसका दूसरा नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। और इसका जो केमिकली फार्मूला है वो है MgSO4। तो एप्सम सॉल्ट जो है ये एक सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होता है, और ये तो हर एक प्लांट के लिए फल फूल सभी प्लांट सब्जियां सभी प्लांट के लिए अच्छा होता है, वो सब में हम नहीं जाते, लेकिन ये रोज़ प्लांट के लिए किस तरह काम करता है तो वो पहले बताते। एप्सम सॉल्ट रोज़ प्लांट में एक बूस्टर की तरह काम करता है, प्लांट को बहुत शक्तिशाली बनाता है, और हर तरह का डिजीज से लड़ने की इसमें ताकत देती है। छोटे छोटे रोज प्लांट का रूट जो होती है बहुत ही डेलिकेट्स होती है, तो प्लांटिंग के टाइम अगर एप्सम सॉल्ट यूज़ करे तो रूट बहुत मजबूत होता है, प्लांट बहुत बुशी होता है, और स्टेम बहुत मजबूत होता है, और फ्लावर का अमाउंट भी बढ़ा देती है, और फ्लावर का कलर भी बहुत ही खिल के आता है। मान लीजिए प्लांटर में लगाना है प्लांट को हमें, तो इतना तक मिट्टी भर दें, फिर 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट मिला के फिर और थोड़ा मिट्टी डालें फिर प्लांट को लगाएं, लगा के बहुत अच्छी तरह से पानी डाल दें। और ये तो हो गई प्लांटिंग के टाइम की बात, और दूसरी तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे ये प्लांटर है, प्लांटर में मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इस गमले में डालना है तो क्या करना है, ये जो स्टेम है स्टेम के बिल्कुल पास से नहीं करें, जैसे स्टेम है स्टेम से थोड़ा दूर थोड़ा जगह को छोड़ के फिर यहाँ से इतना में साइड में से रिंग बना ले, रिंग बना के 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट डाल के फिर बहुत सारा पानी डाल दे, थोड़ा ऐसा नहीं करे जैसे थोड़ा सा पानी डाल दिया एप्सम सॉल्ट डाल के, और ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा करके पानी डाल दे, हैं। और ये तो हो गई, ये महीने में एक बार करे, ये तो हो गई मिट्टी की बात। आप फॉलियस फीडिंग भी इसमें करा सकते हो, और जो जैसे कि ये जो 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट लेके फिर 5 लीटर पानी में इसको घोल के फिर पत्ते पे छिड़काव करें, और पत्ते पे जब भी छिड़काव करें तो ध्यान रहे इसका भी वही फोटोसिंथेसिस कराते हैं, तो इसीलिए इसका जो छिड़काव करने का टाइम है तो वो भी धूप में ही करें, क्योंकि सभी जानते हैं प्लांट जो है अपना फोटोसिंथेसिस सनलाइट से ही करता है, तो इसका छिड़काव का टाइम भी धूप में ही करें, और महीने में एक बार करें, ज़्यादा नहीं। और किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है पत्ते येलो हो गए, और उसमें अगर एप्सम सॉल्ट छिड़काव करें तो पत्ते ग्रीन हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी प्लांट का ऐसा होता है, हर एक प्लांट का नेचर एक तरह से नहीं होता है, तो किसी किसी प्लांट पे तुरंत असर नहीं करता है, किसी किसी प्लांट में तुरंत असर करता है, तो इसीलिए ये ना सोचे अभी कर दिया तो 3-4 दिन में और एक बार करना है, क्योंकि प्लांट का पत्ता जो है वो तो पीला ही रह रहा है अभी, ग्रीन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, सबका अलग अलग टाइम होता है, तो अपने हिसाब से वो अपना अपना काम करते हैं। तो ये तो हो गई एप्सम सॉल्ट और
एनपीके की बात, लेकिन ये सब विंटर और स्प्रिंग सीजन में करें, अदरवाइज हमेशा से ही जो समर में हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें, वो सारे प्लांट के लिए अच्छा है, प्लांट के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और मिट्टी का हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए सिर्फ विंटर के सीज़न में ही करें। और देखिए मेरे प्लांट में कितना अच्छा खिल रहा है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कली भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड मेरा ये छोटा सा जानकारी, अगर आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी बटन को भी बजाइए, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।